आदर्श हिमाचल वेब टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं संजय ठाकुर, आपका दोस्त और आपका होस्ट। हिमाचल के सितारे कार्यक्रम में इस हफ्ते हमारे बीच जो मेहमान हैं वो बहुत ही खास हैं और खास अंदाज में हम बातें भी करेंगे उनसे। हमारे बीच मेहमान हैं एसी भारद्वाज। भारद्वाज जी बहुत बहुत स्वागत फिर से आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। बहुत सारी मुलाकातें हमारी हुई हैं, अक्सर होती भी रहती हैं, और जो हमारे दर्शक हैं मैं चाहूंगा कि बहुत सारी ऐसी बातें जो अक्सर हम लोग करते जो हमें मालूम है हम चाहते हैं कि उन्हें भी मालूम हो, क्योंकि आपको बहुत लोगों ने देखा है, ना सिर्फ हिमाचल में बाहरी राज्यों में भी देखा है, और बहुत सारी बातें हम आज करने वाले हैं। थोड़े से वक्त में बहुत सी बातें कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो दर्शक जानना चाहेंगे आप कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है, थोड़ा सा बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच संजय जी। और सबसे पहले तो आदर्श हिमाचल जो वेब टीवी है उसके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोगों से अपने विचार साझा करने का मौका मुझे मिल रहा है। आपने मुझे पूछा कि मैं कहाँ से हूँ और मेरी जो जर्नी है, और कम समय में ज़्यादा बातें मेरे लिए वैसे मुश्किल हो जाती हैं क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं और हम बोलने वाले ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं लोगों के बीच रहा हूँ, आम आदमी हूँ, तो आम आदमी के बहुत सारे सवाल बहुत ज़्यादा विचार रहते हैं। तो मैं हिमाचल प्रदेश के ज़िला शिमला कि रामपुर बुशहर के डंसा गांव से हूँ। बहुत छोटा सा और प्यारा सा गांव है, और सातवीं कक्षा में भी था जब मैंने पहली बार पहले एक गाना गाया, और उसके बाद कंटिन्यू किया। लोगों ने कहा, दोस्तों ने कहा, घर का माहौल भी अच्छा था संगीत को लेकर, मम्मी बहुत अच्छा गाती थी। रामपुर के रहने वाले हैं आप, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो हायर एजुकेशन है वो रामपुर कॉलेज से ही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। अभी और बहुत कुछ पूछना बाकी है, अभी तो पहला सवाल था। अब सीधा हम आते हैं उस सवाल पे जहां से एसी भारद्वाज हूँ। वो शायद मैं बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं बात करना लाजमी है। मॉडर्न फोकलोर 2 एक ऐसा एल्बम था, मैंने पहले ही बताया कि जिसकी वजह से एसी भारद्वाज बने हैं। कितना खुश है आप अपनी सक्सेस से, अगर मॉडर्न फोकलोर 2 की अगर बात की जाए तो मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ा ये पड़ाव था, बहुत बड़ी उपलब्धि है। द मॉडर्न फोकलोर जो कॉन्सेप्ट है अपने आप में एक सोचा समझा हुआ ये कॉन्सेप्ट था, और बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया था। द मॉडर्न फोकलोर 1 सबसे पहले आया था, हालांकि उसको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन 2 ज़्यादा जहन में रहा लोगों के, क्योंकि लोगों की चॉइस के हिसाब से इसमें चीज़ें लोगों को मिली। और मेरा पर्सनल जो मोटिव था वो यही था कि मेरी अपनी जो प्लेलिस्ट है मेरे फेवरेट गानों की, जो गाने मुझे अच्छे लगते हैं वो किसी ने भी गाए हो पूरी दुनिया में, लेकिन मुझे जो सुनना अच्छा लगता है, मुझे जो गाना अच्छा लगता है, मैंने उन गानों को कलेक्ट किया। वो पहाड़ी थे, वो पंजाबी थे, वो बॉलीवुड थे, और उनका एक मैशअप, एक लड़ी सी तैयार की और उनको एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। और कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है वो बदल गई है आज के युग को अगर देखा जाए। संस्कृति नहीं भी बदली है, लेकिन लोगों का नज़रिया ज़रूर बदला है। तो जो एक कॉन्वर्सेशन का गैप आ गया है हमारी पुरानी पीढ़ी और अब के युवाओं में, उन दोनों पीढ़ियों में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से द मॉडर्न फोक नोट का निर्माण किया गया, ताकि मॉडर्न तरीके से अपने फोक को रिप्रेजेंट किया जाए, आज का यूथ भी हमारे फोक से जुड़ा रहे, और हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो लोकगीत है, वो भी कहीं ना कहीं सुरक्षित रहे। बस इसी पे हम आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न फोक नोट 2 आने के बाद पहले से ही आप स्टेज शो करते हैं, उसके बाद स्टेज शो करने का जो अंदाज है, मतलब उस स्टेज शो करने की जो खुशी है, उसमें कितना अंतर आया? पहले से ही सेम कंडीशन था या फिर कुछ और ही फील आता है? जब एक नाम होता है, जब कोई चीज़ बाउंस होती है और उसके बाद आपको हर कोई जानना शुरू कर देता है, खासकर वीडियोस एक ऐसा फॉर्मेट है, जब कोई आपका वीडियो सक्सेस होता है तो हर कोई आपको देखता है, और वही लोग जिन्होंने आपको अपने मोबाइल पे या यूट्यूब पे जहाँ भी कहीं देखा होता है, सामने जब आपको वो स्टेज पे देखते हैं, वो खुशी आपको कितना आनंद देती है? अपने आप में खुशी कहीं ना कहीं किसी सपने जैसी रहती है, क्योंकि मेरे जीवन का अगर मैं अपने करियर का कहूँ तो काफ़ी सालों से मैं इस फील्ड में जुड़ा हूँ, और गाना गाने का मुझे शौक था, लेकिन गाना गाने का मौका मिलता नहीं था, तो वो मौका ढूंढना पड़ा। पहले मैंने कम से कम 8 से 10 साल मंच संचालन किया, ताकि मैं हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े सितारों के साथ स्टेज साझा कर सकूं, और उसमें कहीं बीच में छोटा सा जो गैप मिलता था, एक छोटा सा अंतराल मिलता था, उसमें मैं अपनी कला को दिखा सकूं, उसमें एक या दो गाने में गाता था। तो
तब वो जो समय था, तब जो स्टार था, जिनके नाम होते थे उनके नाम से पूरा क्राउड इकट्ठा होता था, लोग तालियां बजाते थे, शोर मचाते थे, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन जैसे ही अब आपने बात की कि अब और तब में जो डिफरेंसेस हैं, तो अब बहुत ज़्यादा बदल गई है, क्योंकि अब मॉडर्न फोक नोट 2 के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे जान रहे हैं, बहुत सारी फैन फॉलोइंग हुई है, जो आप लोग सभी लोग प्यार कर रहे हैं थैंक्स टू सोशल मीडिया, खासतौर पर यूट्यूब, जिसके माध्यम से एक आम आदमी भी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है बिना किसी सपोर्ट के। आप डायरेक्ट यूट्यूब पे अपनी चीज़ें डालें और वहां से आप बन सकते हैं, तो अब ज़्यादा ईजी हो गया है। तो आप हरफन मौला हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि बहुत सारी मुलाकातें, बहुत सारे राज हम भी आपके बारे में जानते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि जो हम जानते हैं वो दर्शक भी जानते हैं। एक दौर ऐसा भी था जब आप मन संचालन भी करते थे, गायकी भी करते थे, और मन संचालन में कॉमेडी भी आपका पार्ट होता था, तो उस वक्त क्या दिमाग में चलता था कि कौन सी फील्ड को लेकर, सिंगिंग को लेकर ही आप आश्वस्त थे, गायकी को लेकर ही आश्वस्त थे, या फिर आपको लगता था कि मन संचालन या कॉमेडी में कोई करियर हो सकता है, आपका स्ट्रांग पार्ट जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें आपकी पकड़ बहुत अच्छी थी, वो कौन सा वाला पार्ट था, क्या सिंगिंग को लेकर ही चले थे, गायकी को लेकर ही चले थे? सबसे पहले मेरा मोटिव यही था कि मैं गाना गाऊंगा, क्योंकि प्लस टू तक का जो मेरा करियर था वहाँ पे ज़्यादा गाने का माहौल था नहीं स्कूल में, तो ना ही संगीत विषय था मेरे पास, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में स्पोर्ट्स था और ज्योग्राफी था, लेकिन कॉलेज में आते ही वहाँ का माहौल कुछ और हुआ, तो मैंने सोचा मैं गाना गाऊंगा, तो वहाँ से मैंने गाना गाना शुरू किया। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ इस तरह से रही हिमाचल प्रदेश में, सिंगर्स इतने ज़्यादा हो गए कि आपको अपने आप को बीच में लोगों के सामने, मतलब भीड़ के बीच में अपने आप को अलग दिखाना एक चैलेंज था, तो ऐसे में सिंगिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, क्योंकि आप इतने सारे सिंगर्स के बीच में अपने आप को रजिस्टर नहीं कर सकते थे, तो एंकर्स कम थे, मन संचालक कम थे, तो मैंने सोचा मन संचालक के रूप में मैं एक बार आ जाता हूँ, क्योंकि मन संचालक एकमात्र ऐसी भूमिका रहती है जो पूरे मंच में पूरा वक्त रहता है, सारा वक्त रहता है, उसमें थोड़ा सा समय निकाल के आप थोड़ा सा गाने में अपने आप को प्रूव करें, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको नोटिस करेंगे कि नहीं आप अच्छा गा भी लेते, तो कहीं ना कहीं किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा और आपको वो प्लेटफॉर्म मिलेगा, और हुआ भी यूँ ही, मन संचालन से शुरू किया और द मॉडर्न फोक नोट एक किस्मत का दरवाज़ा बनकर सामने आया। जिस तरीके से आपने करियर शुरू किया मन संचालन में, कॉमेडी में और गायकी में, और आखिर में आपको जो कामयाबी है वो गायकी में आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत ही अच्छा जवाब आपको मिला, और हिमाचल ही नहीं, हिमाचल के साथ साथ बाहर भी, बाहरी राज्यों में भी लोगों ने बहुत शेयर किया जो हमें जानकारी मिली है। आप मुझे ये बताएं कि जो मॉडर्न फोक नोट 2 था, आखिरी सवाल इस पे है, ये मॉडर्न फोक नोट 2 पे यूट्यूब पे आपके अपने चैनल पे है, कहाँ कहाँ से आपको एप्रिसिएशन मिलता है, अगर हिमाचल और हिमाचल के पड़ोसी राज्यों से की बात करें, या फिर हो सकता है कि जिस तरीके का ये हिट रहा है, हो सकता है आपको बाहर लाइक बाहरी देशों से भी कोई कमेंट आए जो हिमाचल के रहने वाले या इंडिया के रहने वाले, थोड़ा सा काम शब्दों में बताएं। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स रहा है द मॉडर्न फोक नोट 2 का, और सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये थी कि मैंने अपने YouTube चैनल अपना मैंने क्रिएट किया द मॉडर्न फोक नोट के नाम से ही, और 38 सब्सक्राइबर से मैंने शुरू किया, मेरे लिए चैलेंजिंग था, सोचा कि 1000-2000 लोग देखेंगे, लेकिन आज ये आंकड़ा लगभग 7 मिलियन तक पहुँच गया, लगभग 70 लाख लोग द मॉडर्न फोक नोट 2 देख चुके हैं, और अच्छा लगता है लगभग 36 देशों के लोगों के मुझे मैसेजेस आए हैं, और 36 देशों में भी कुछ ऐसे लोग जो हिमाचली हैं, पहाड़ी हैं और दूसरे देशों में रहते हैं, जिन तक हमारी संस्कृति नहीं पहुंचती, वो अपनी संस्कृति से दूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन करता है रिकनेक्ट होने का, तो वो कनेक्टिविटी उनको वहाँ पे मिली मॉडर्न फोक नोट के थ्रू, और उनके कॉल्स मुझे आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और यूट्यूब ने ये सारा संभव बनाया, क्योंकि यूट्यूब अपने आप में एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है, इससे सारा संभव हो पाया। बहुत खूब, और ये प्राउड मोमेंट है हिमाचल के लिए, आपने कहा कि 36 देशों से आपको SMS आए हैं और कुछ कॉल्स भी आए हैं, तो बहुत बढ़िया है। अब जो हमारा जो हमारी जो मुलाकात है, हमारी जो बातचीत है, अंतिम पड़ाव में है, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा, आप ऐसे कलाकार हैं, आप स्टूडियोज़ में भी गाते हैं और एल्बम आपकी ऑडियोज वीडियो और मंच पर भी आप बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, खासकर नए कलाकार या वो कलाकार जो अभी तक इस फील्ड में काम कर रहे हैं लेकिन अपना नाम बनाने में बड़ी मशक्कत कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको एक स्टूडियो में गाना? अक्सर कहा जाता है कि स्टूडियो में अगर आपका अच्छी वॉइस आती है, आप अच्छा हिट करते हो, तो आपको उसका फायदा स्टेज के लिए मिलता है, आपको प्रोग्राम मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन
उसको स्टेज पर ग्रैब जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब कैसे करना है, क्या फर्क देते हैं और कैसे उसको ग्रैब करना है, ये आपको चंद शब्दों में बता। ये अपना मेरा अपना पर्सनल जो अनुभव है क्योंकि मैंने मन संचालन किया है काफ़ी सालों तक और दर्शकों का प्यार मुझे मन संचालक के रूप में भी मिलता रहा है, लेकिन वहाँ का जो मेरा अनुभव था वो मुझे बहुत ज़्यादा काम आया। और उसके बाद जैसे मॉडर्न फोक नोट की सीरीज़ आई, उसके बाद बहुत सारे कार्यक्रम जहाँ पे जाना, जिन शोज़ को करना मेरा ड्रीम हुआ करता था, जहाँ पर शायद हम अप्रोच नहीं कर पाते थे, हम नहीं पहुँच पाते थे, वहाँ पर लोगों ने मुझे खुद बुलाया, मैंने शोज़ किए। लेकिन मेरा मानना ये है, युवाओं के लिए ये संदेश है, स्टूडियो की गायकी और अगर आप स्टेज की बात करें तो दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। स्टूडियो में आपके पास रीटेक्स रहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं कि आप अपनी वॉइस को मॉडिफाई कर सकते हैं, आप अपने गलतियों को दोबारा से रीटेक लेकर इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन लाइव में आपके पास एक ही मौका मिलता है। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कई बार लाइव और स्टूडियो में डिफरेंसेज आ जाते हैं, इसकी वजह से आप वो मौका जो आप ग्रैब करने की बात है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते और लोग आपको कनेक्ट नहीं कर पाते अपने आप से, क्योंकि उनको डिफरेंसेज नज़र आते हैं स्टूडियो में और लाइव में, और ऐसा होता भी है। लेकिन लाइव का मेरा ये मानना है कि लाइव में आपको ऑडियंस आपके सामने जैसी बैठी है, उनके रिस्पॉन्स के हिसाब से, उनके रिएक्शन के हिसाब से, उनकी चॉइस के हिसाब से आपको उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि वो उनकी चॉइसेस क्या हैं, वो किस तरह का आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको समझना ज़रूरी है, वैसे ही आप परफॉर्म करें। और उसके बाद मुझे नहीं लगता है ज़्यादा डिफरेंस रहेंगे, आपको अपना बेस्ट करना है, आप जहाँ भी जाओ मतलब अपना बिल्कुल दिल खोल के जाओ और अपना 110% दो। वैसे 100% ही रहता है, 110% इसलिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा करो जितना आपके बस में है, बहुत अच्छा होगा, लाइव भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए एक बात आपको और हमें बतानी है, हर आदमी की लाइफ में एक पल ऐसा आता है जब उसको लगता है कि आई एम द हैप्पीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ये मतलब वो दिन हमारे लिए खास होता है। क्या ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ में आया है, आपको लगा हो, आपको प्राउड फील हुआ हो, आपको प्राउड फील हुआ हो, या आपको खुशी के मारे नींद आ रही हो, भूख ना लग रही हो, ऐसा कोई दिन आया? आपको पता है कि हमारी फील्ड ही ऐसी है, हर दिन कोई ना कोई नया आदमी, कोई ना कोई बड़ा आदमी, कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जो हमें प्राउड फील करवाती है। कहीं हमारे फैंस मिलते हैं, कहीं ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आपका मन करता है आज कुछ नहीं करना, बस आराम से उन मोमेंट्स को आप जी लो, और वही आपके लिए स्पेशल है, आपको कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए टॉनिक का काम कर रही है सारी चीज़ें। लेकिन मेरी लाइफ में एक मोमेंट 2016 में आया था, मार्च 2016 मुझे आज भी याद है, 11-12-13 मार्च का ये दिन है, और दिल्ली में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के नाम से एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं हम महायज्ञ उसे कहेंगे, लेकिन संस्कृतियों का वो मिलन था, समावेश था, विश्व संस्कृति महोत्सव के नाम से, और आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। बहुत सारे इसमें विवाद भी उत्पन्न हुए थे, आप सब लोगों ने ज़रूर सुना होगा। 155 देशों के लोगों ने इस महाकुंभ में शिरकत किया और अपनी अपनी संस्कृति का मंचन वहाँ पर किया गया। 155 देशों ने अपनी संस्कृति का वहाँ पर मंचन किया, और मेरे लिए प्राउड का वो मोमेंट था जब 1500 डांसर हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से अपनी पारंपरिक वेशभूषा में वहाँ पर उन्होंने एक ही गाने पर एक साथ 155 देशों के लोगों के सामने परफॉर्मेंस किया है। और मैंने वो गाना, उसका जो टाइटल ट्रैक है, वो मैंने गाया, मुझे उसे लाइव परफॉर्म करने का मौका मिला, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड का मोमेंट है कि 155 देशों के सामने आपने गाना गाया, देश शोभला हिमाचल मारा, जो द मॉडर्न फोक नोट 2 में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, तो इससे बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट कोई नहीं हो सकती। तभी हम किसी राज्य से बाहर जाते हैं तो हम पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, या हम अपने देश से बाहर जाते हैं तो पूरे भारत को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। आखिरी सवाल आपसे, मॉडर्न फोक नोट 2 के अलावा आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तक आ चुके हैं, थोड़ा सा उनके बारे में आप जरूर बताएं, और साथ ही साथ आपका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, आपकी जो अभी फर्दर प्लान्स हैं, लाइक 6 मंथ, 1 ईयर में आप क्या करने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और उसके बाद फिर हम समाप्ति की ओर जाएं। द मॉडर्न फोक नोट सीरीज, मैंने पहले भी कहा था, ये जानबूझकर शुरू की गई ये सीरीज़, क्योंकि जो कनेक्टिविटी बनानी है, जो सामंजस्य स्थापित करना है, अपनी संस्कृति को भी बचाए रखना है, संजोए रखना है, अपने कल्चर को प्रमोट करना है, और साथ ही साथ आज की युवाओं के टेस्ट के हिसाब से वो बनी रहे। आप सब लोगों ने देखा होगा मेरे वीडियोज़ में या लाइव शोज़ में, मेरे सिर पे एक टोपी आप देखते हैं, मेरा कॉस्ट्यूम आप देखते हैं, उसमें पहाड़ों की झलक आपको दिखती है, वो उसका सिर्फ एक ही मोटिव है, ताकि हम फैशन के लिए ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से हम जुड़े रहें। द मॉडर्न फोक नोट 2 के बाद द मॉडर्न फोक नोट 3 दर्शकों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, चारू शर्मा जी के साथ इसमें आया था, और बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आदर्श हिमाचल वेब टीवी के माध्यम से, सुरेंद्र नेगी सर का, जिनके सानिध्य में रहकर ये सारी चीज़ें हो पाई, और
उनके बेटे हैं मेरे अजीज मित्र और छोटे भाई की तरह, शशि भूषण नेगी, जो बहुत छोटे हैं, कम उम्र के संगीतकार हैं, लेकिन उन्होंने द मॉडर्न फोक नोट का जो संगीत है वो आज की जनरेशन के सामने उनके टेस्ट के हिसाब से पेश किया वेस्टर्न तरीके से। हम शायद उतना सोच भी नहीं सकते थे जितना उन्होंने इसको बना दिया। थैंक्स टू शशि भूषण नेगी। और द मॉडर्न फोक नोट 4 को तो और ज़्यादा प्यार मिला है। मुझे अच्छा लग रहा है कि माया नगरी मुंबई में जाने का सबका सपना रहता है, लेकिन वहाँ से मुझे लोगों के कॉल्स आते हैं, महाराष्ट्र, नवी मुंबई, पुणे और बहुत सारी और भी जगह हैं जहाँ से मुझे कॉल्स आते हैं एप्रिसिएशन के, और वो वहाँ पे कॉन्सर्ट करवाना चाह रहे हैं, हमारे पहाड़ी संस्कृति को वहाँ पर दिखाना चाहते हैं। तो इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं है। आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में सिर्फ इतना है, द मॉडर्न फोक नोट 5 जून महीने में आप सब लोगों के बीच में होगा। इसी तरह का प्यार आप सब लोगों से चाहिए, और आप सब लोगों का यही प्यार रहा तो द मॉडर्न फोक नोट सीरीज तब तक चलती रहेगी जब तक आप इसको सुनना चाहते हैं। और मेरी जान में जान है तो मैं तो गाते रहूँगा। मेरा लक्ष्य तो यही है कि इसकी सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली सब मनाई जाए द मॉडर्न फोक नोट की। अभी तो 5वीं सीरीज आनी है, ऐसे प्यार देते रहे। थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं तो बस थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐड करता हूँ, आदर्श हिमाचल के स्टूडियो में आप आए, बहुत ही अच्छा लगा, और आपने लोगों के दिलों में राज करना शुरू कर दिया। मैं चाहूंगा कि ऊपर वाले की आपके ऊपर दया हो, और ये जो राज करने का जो सिलसिला है ये आगे बढ़ता ही रहे। और शायराना अंदाज में मैं 4 पंक्तियां कहता हूँ कि जिंदगी जीने से बढ़ के कोई ख्वाब नहीं होता। ये इसी भारद्वाजी के लिए मैं कह रहा हूँ कि जिंदगी जीने से बढ़ के कोई ख्वाब नहीं होता, ना मिले कामयाबी तो कोई बर्बाद नहीं होता। जो लोगों के दिलों में राज करना शुरू कर लेता है, दुनिया में उससे बढ़ के कोई नवाब नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आदर्श हिमाचल वेब टीवी को आपने समय दिया, आप आदर्श हिमाचल वेब टीवी के स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये थे एसी भारद्वाज हिमाचल के सितारे प्रोग्राम में इस हफ्ते। आप यूं ही बने रहिए आदर्श हिमाचल के साथ। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कलाकार के साथ। शुक्रिया।